आपकी अपनी चैनल फिल्मी तराना के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं द केरला स्टोरी मूवी की, जो आज काफ़ी वायरल है। ये एक हिंदी फिल्म है जिसे रियल इंसिडेंट्स के ऊपर फिल्माए जाने का दावा किया गया है। फिल्म की स्टोरी एक बहुत ही बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्लॉट पर बनाई गई है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सोनिया बालानी और सिद्धि इडनानी ने। फिल्म की कहानी केरल की चार महिलाओं पर आधारित है, जिन्हें ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में भर्ती करने के लिए इस्लाम धर्म इनके इर्द गिर्द प्लॉट रच के कबूल करवाया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद वे अपने पतियों के साथ 2016 से 2018 के बीच में अफगानिस्तान चलाती हैं, जहाँ वे ISIS को ज्वाइन करती हैं। वो एक साथ 21 सदस्य थे केरला के जो ISIS में ज्वाइन हुए थे, जो आत्मसमर्पण के बाद अफगानिस्तान में कैद हैं। फिल्म का टीजर 3 नवंबर 2022 को रिलीज हुआ था, जो फातिमा बा, एक हिंदू मलयाली नर्स जिसने इस्लाम कबूल किया और अफगानिस्तान जाके ISIS ज्वाइन करने के बाद आत्मसमर्पण के बाद अफगानिस्तान की जेल में बंद है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि केरला से गायब 32,000 हिंदू ईसाई धर्म की लड़कियों में से वे एक थीं। उसके मुताबिक उन सभी को इस्लाम कबूलवाने के बाद ISIS ज्वाइन करने के लिए अफगानिस्तान ले जाया गया था। फिल्म की कहानी बहुत ही सेंसिटिव है और जानने लायक भी। ट्रेलर काफ़ी रोमांचित करता है और फिल्म एक बार तो देखने लायक है ही। आज के वीडियो में बस इतना। अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में जानने और फिल्म रिव्यूज़ के लिए जुड़े रहिए फिल्मी तराना चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।